दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आप ई कल्याण में डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड कर सकते हो, वो भी दोस्तों अच्छे तरीके से और कोई भी एरर आप सभी को नहीं आएगा। आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, चाहे आप दोस्तों मोबाइल फोन से कर रहे हो या फिर पीसी से, तो आराम से आप करने वाले हो। सिंपली दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पिछली वीडियो में मैं आप सभी को बताया था कि आप कैसे ई कल्याण से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे दोस्तों आप इंटर में हो या फिर बीए में या फिर दोस्तों बीएड वाले हो, तो भी आप यहां पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारा कमेंट आया था, आप यहां पे देख सकते हो। तो दोस्तों जितना हो सका मैं आप सभी को रिप्लाई देने का कोशिश किया हूं, यहां पे देख सकते हैं जितने भी सवाल हैं मैं सभी का रिप्लाई किया हूं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ लोग कॉमेंट कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप बताओ मुझे, ठीक है। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर वीडियो है, तो डॉक्यूमेंट कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों जाति आवासीय या फिर आय हो गया या फिर बैंक पासबुक या बोनाफाइड हो गया, तो दोस्तों कुल मिला के 7 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहता है। और दोस्तों ये भी सवाल था कि आपके पास रेसिडेंशियल या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर दोस्तों इनकम हो और आपने अप्लाई कर रखा है और अभी नहीं आया है, मतलब कि कमिंग सून में है, आने वाला है, तो दोस्तों क्या उसका यहाँ पे उपाय करें। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं एक भाई ने कमेंट करके मुझे पूछा भी है, भाई अभी मेरे पास बहुत पुराना वाला कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, नया वाला आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, आपका जो भी रिसीविंग मिला होगा तो उस रिसीविंग को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट या फिर फोटो लेके अपलोड कर देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे होगा अपलोडिंग में वो पेंडिंग में डाला जाएगा, उसके बाद आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों इसका सोल्यूशन है। तो दोस्तों उम्मीद आगे भी है कि इसका डेट जो है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो आप सभी चिंता ना करें कि कैसे आप यहाँ पे कर सकते। तो दोस्तों अब आते हैं पॉइंट पे कि डॉक्यूमेंट को आप कैसे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, पिछली वीडियो में डॉक्यूमेंट अपलोड करके नहीं बताया था, तो बहुत सारा कॉमेंट आया दोस्तों, तो मैं आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट भी अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों ई कल्याण को ओपन कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं टाइप करके, उसके बाद दोस्तों ई कल्याण वाला ऑप्शन में जाना है और थोड़ा सा वेट करना है। वेट करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स गूगल में सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ओपन हो चुका है ई कल्याण साइट जो है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, स्टूडेंट लॉगिन। दोस्तों पिछली वीडियो मेरा नहीं देखे आप सभी तो देख सकते हैं, अभी मैं आप सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करना बता रहा हूँ, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है स्टूडेंट लॉगिन वाला ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाएगा, साइन अप और साइन इन। तो यहाँ पे साइन इन वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद कैप्चा डाल के यहाँ पे साइन इन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर अपना डाल लेता हूँ। उसके बाद अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को एकेडमिक ईयर 2021-22 आप सभी को शो हो रहा होगा और यहाँ पे फ्रेंड्स आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, ये वाला ऑप्शन आप सभी को दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है फ्रेंड्स। चाहे आप अगर बीएड वाले हो तो बीएड वाला ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ चुका है, स्टूडेंट बैंक अकाउंट पासबुक स्कैन कॉपी पेज 1। तो दोस्तों प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है कैम स्कैनर और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा आ जाएगा, तो यहाँ पे एक आप सभी को मिल जाएगा इंडिया का, यहाँ पे दोस्तों करीब मैं आप सभी को दिखा देता हूँ इसके ऊपर क्लिक करके, ये रहा दोस्तों। तो सिंपली क्या करना है आपको, इसे इंस्टॉल करना है, यहाँ से आप दोस्तों अपना जो भी मतलब कि इमेजेज आप लोगे उसे रिसाइज कर पाओगे, आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आप सभी को नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको वहाँ पे कंप्रेस करने वाला ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ करीब 200-150 KB से नीचे ही होना चाहिए, 150 KB से ज्यादा आपका जो फाइल साइज होगा मतलब इमेज साइज होगा वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है देख सकते हैं ओनली अप टू 150 KB JPG फॉर्मेट यहाँ पे अलाव है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं स्टूडेंट फोटो अपलोडेड है, उसके बाद फिर स्टूडेंट बैंक पासबुक जो यहाँ पे क्लिक करके मैं अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट करके। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्रेस करके सभी का डिटेल में रखा हूँ, तो यहाँ पे सिंपली इसे ओपन कर देते हैं क्लिक करके और यहाँ पे बैंक पासबुक वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक पासबुक ये जो है वो हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो सिंपली क्लिक करेंगे और कास्ट सर्टिफिकेट को भी इसी तरह से अपलोड कर देंगे, मतलब की जाति ओके करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये भी हो चुका है, बैंक और कास्ट सर्टिफिकेट भी हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं
नीचे मैं क्लिक करता हूँ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी हम अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ है रेसिडेंशियल, मिल गया। अब इसे हम ओपन कर देते हैं, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन के ऊपर भी हम क्लिक करते हैं। इनकम देख सकते हैं ये रहा, इनकम हो चुका है। उसके बाद दोस्तों कॉलेज बोनाफाइड, तो दोस्तों कॉलेज में जो आपको बोनाफाइड मिलता है जब बनवाते हो तो उसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन करना है। कॉलेज बोनाफाइड भी हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट, वो यहाँ पे आपको डालना है। तो मार्कशीट में यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, तो देख सकते हैं मार्कशीट यहाँ पे है। मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करके सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जो भी आपने दोस्तों फॉर्म भरा होगा, उसके बाद फिर एक एप्लीकेशन मिला होगा, देख सकते हैं स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पेज। सिंपली दोस्तों आपको सिग्नेचर उसमें करना रहता है, आपका जो गार्जियन था उसे सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा एक अजन एप्लीकेशन, मैंने नाम इसका दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कंप्लीट ये हो चुका है। उसके बाद दोस्तों और जो मेन चीजें करना है वो मैं आप सभी को अभी बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट आपने एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों इंश्योरेंस नंबर। तो दोस्तों ये जो नंबर है आपको मिल जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट में, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लूंगा। उसके बाद फिर दोस्तों इशू डेट यहाँ पे जो होगा कास्ट सर्टिफिकेट का वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा डेट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का ये जो डिटेल होता है यहाँ पे आपको एंटर करना होता है। और उसके बाद दोस्तों ये जो होता है इशू डेट जो होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो किस दिन जो जारी होता है आपका जो भी मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट है किस दिन जारी हुआ उसे यहाँ पे एंटर करना होता है। उसका जो भी यहाँ पे रेफरेंस नंबर होता है उसे एंटर करना होता है। दोस्तों इसी तरह से आपको यहाँ पे भी एंटर करना है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में यहाँ पे एंटर करोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे उसका डेट। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फिर इनकम में भी इसी तरीके से, उसके बाद सबमिट करना है। मैं यहाँ पे पूरी तरह से भर लेता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आप सभी को मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ सेव करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से जब भरा जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, सेव वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आर यू श्योर यू वांट टू अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट, नो यस ओके कर देना है और थोड़ा सा वेट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली, अब यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हुआ है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं फिर से आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस में आपको जाना है और उसके बाद फिर जो भी सेशन होगा आपको सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे भी सेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 21 से 22 मैंने यहाँ पे भी भरा है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ऑल डिटेल जो भी मैंने यहाँ पे डाला है वो सभी खुल जा रहा है। तो दोस्तों 7 यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, देख सकते हैं स्टूडेंट फोटो, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल बोनाफाइड और प्रीवियस मार्कशीट, उसके बाद बैंक पासबुक और उसके बाद दोस्तों स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये चीजें आपको यहाँ पे रिकमेंडेड है मतलब जरूरी है। तो मैं पिछले वीडियो में ही बता दिया था फ्रेंड्स कि क्या क्या यहाँ पे आप सभी को लगने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों चाहो तो क्लिक करके इसके ऊपर आप देख सकते हो, देख सकते हो। तो आप दोस्तों इसी तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हो। तो मोबाइल फोन से ही मैंने स्कैन करा था तो कैम स्कैनर से काफी अच्छा से स्कैनर हो जाता है। उसमें भी दोस्तों आप क्वालिटी घटा भी सकते हो, मतलब कि दोस्तों उसमें कंप्रेस भी कर सकते हो। तो दोस्तों थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बेल वाले आइकन के ऊपर प्रेस करें और यहाँ पे दोस्तों ऑल वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक। और तो दोस्तों अगर किसी तरह से परेशानी है तो इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ, थैंक फॉर वॉचिंग दिस।